आप में से कई लोगों ने कमेंट और ईमेल के माध्यम से पूछा कि हमारे कितने शरीर हैं और इन शरीरों में क्या अंतर होता है। कोई कहता है 7 शरीर हैं और कोई कहता है 3 शरीर हैं, तो कोई 5 शरीर कहता है। दोस्तों, योग विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर की 5 परतें होती हैं और 3 तरह के शरीर होते हैं। ये शरीर की 5 परतें हैं अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। लेकिन योगिक दर्शन के अनुसार मनुष्य के 3 शरीर होते हैं। वे 3 शरीर हैं स्थूल शरीर, जिसे ग्रॉस बॉडी कहा जाता है, सूक्ष्म शरीर, इसे सेटल बॉडी भी कहते हैं, और तीसरा है कारण शरीर, जिसे कॉजल बॉडी बोलते हैं। तो चलिए इन शरीरों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर को समझने से पहले आपको स्थूल क्या है यह समझना होगा। इस ब्रह्मांड में मौजूद कोई भी वस्तु जिसे हम अपनी इन 5 ज्ञानेंद्रियों से परसीव कर सकते हैं, जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह सब स्थूल है। इस समस्त ब्रह्मांड के आयाम में उपस्थित ऐसी कोई भी वस्तु जिसे आप अपने हाथों से छू सकते हैं, नाकों से सूंघ सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हो, ये सभी चीजें स्थूल हो जाती हैं। इसीलिए हमारा यह दिख रहा शरीर स्थूल शरीर है। इसके अंदर उपस्थित समस्त ब्लड, मांस, मज्जा, हड्डियां, ये सब स्थूल शरीर के ही पार्ट हैं, क्योंकि इन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। परंतु इसी शरीर में मौजूद वे सभी 72,000 नाड़ियां, जिन्हें कोई व्यक्ति देख नहीं सकता, ना ही किसी डॉक्टर के किसी भी यंत्र में आप इन नाड़ियों को पहचान सकते हैं। ये नाड़ियां स्थूल शरीर के अंतर्गत नहीं आती। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि हमारे शरीर में उपस्थित नस और रक्त वाहिकाएं, इन सबको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसलिए ये नस और रक्त वाहिकाएं हमारे स्थूल शरीर का पार्ट हैं। इसलिए इस ब्रह्मांड में पाई जाने वाली हर वह वस्तु, चाहे हमारा यह शरीर ही क्यों ना हो, सब स्थूल शरीर के अंतर्गत ही आता है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर वह शरीर है जिसे आप अपनी भौतिक ज्ञानेंद्रियों यानी नाक, कान, हाथ, जीभ और आंख, इनसे नहीं देख सकते। यानी ना तो आप उसे अपनी नाक से सूंघ सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, और ना ही अपने हाथ से टच कर सकते हैं। ना ही जीभ आपको उसका टेस्ट बता पाएगी और ना ही ये आंखें उसे देख सकती हैं। तो ये सभी चीजें जिसे हम अपनी भौतिक ज्ञानेंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, वे सब सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आती हैं। जैसे आपके मन के विचार, आपकी कल्पनाएं, यदि आप इस पर ध्यान दें तो ना ही कोई व्यक्ति आपकी कल्पनाओं को देख सकता है, ना ही आपके विचारों को देख सकता है। आपके मन के भीतर कौन कौन सी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, इसका किसी व्यक्ति को आभास तक नहीं हो सकता। आज के इस वैज्ञानिक और मॉडर्न युग में भी उपस्थित समस्त मशीनरी भी यह नहीं बता सकती कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी कल्पनाएं क्या हैं। जो भी व्यक्ति ध्यान मेडिटेशन करता है और योग विज्ञान के बारे में जानता है, तो वह अपने शरीर में उपस्थित 72,000 नाड़ियों के बारे में भी बहुत अच्छी तरह जानता होगा। ये सभी 72,000 नाड़ियां और इनमें उपस्थित 3 मुख्य नाड़ियां, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये सब भी सूक्ष्म शरीर का ही हिस्सा हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकता। हमारे इस स्थूल शरीर में उपस्थित वो 7 चक्र भी इसी सूक्ष्म शरीर का ही हिस्सा हैं। हमारे इस स्थूल शरीर में उपस्थित वे सभी नस और रक्त वाहिकाएं, जिनसे हमारे शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुंचाया जाता है, ये सभी रक्त वाहिकाएं ब्लड वेजल्स हैं, जो हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करती हैं। इन नस और रक्त वाहिकाओं को आप नाड़ियां ना समझें, क्योंकि नाड़ियां स्थूल शरीर का नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर का हिस्सा हैं। तो यदि आपके मन में भी यह प्रश्न है कि सूक्ष्म शरीर का हिस्सा क्या है, तो हमारे शरीर में उपस्थित वे सभी चक्र, वे सभी नाड़ियां जो स्थूल रूप में दिखाई नहीं देती, यानी जिसे हम अपनी 5 भौतिक ज्ञानेंद्रियों से नहीं देख सकते, वे सभी सूक्ष्म शरीर का हिस्सा होती हैं और इनसे मिलकर ही सूक्ष्म शरीर बनता है। तीसरा है कारण शरीर। अब यह कारण शरीर क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। कारण शरीर का अर्थ है कि हमारे भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर का जो कारण है, वही तो हमारा यह कारण शरीर है। यानी इसे साधारण भाषा में समझें
तो कारण शरीर से ही हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। यही मेन कॉज है हमारे इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को बनाने का। यह कारण शरीर सूक्ष्म शरीर से भी ज्यादा सूक्ष्म है। यह कारण शरीर हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों से मिलकर बना होता है। पूर्व जन्म में हमारी मनोस्थिति, हमारा चित, हमारे संस्कार कैसे थे, इन सबसे ही इस कारण शरीर का निर्माण हुआ है। हमारे द्वारा किया गया लोभ, काम, क्रोध, मोह, मद, इन सबके ही संस्कारों से ये कारण शरीर का निर्माण हुआ है। यह कारण शरीर चाहे कितना ही सूक्ष्म क्यों ना हो, परंतु हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए हमारे कर्म जो संचित हैं, हमारे द्वारा किया गया लोभ, अहंकार, मद, मोह, इन सबके संचित रूप से ही यह कारण शरीर बनता है। यानी यदि साधारण भाषा में कहा जाए तो हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए हमारे प्रत्येक कर्म, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, उन सबके संस्कार हमारे इस कारण शरीर में संचित होते हैं। इसे एक प्रकार का कंप्यूटर कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारा सारा डेटा, हमारी सारी यादें, हमारी सारी कल्पनाएं, विचार, सब पहले से ही स्टोर हैं। ये सब ठीक वैसा ही है जैसे एक फल के अंदर उपस्थित वह बीज, जो बेहद ही सूक्ष्म है, परंतु उसके अंदर वे सारे गुण हैं जो एक पेड़ को बनाने के लिए अनिवार्य हैं। यानी उस बीज में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ छुपा हुआ है, एक ऐसा पेड़ जिससे फूल भी निकलता है, पत्तियां भी निकलती हैं, तने भी निकलते हैं। एक छोटे से बीज में इतना सामर्थ्य है कि वे बड़े से बड़े बरगद के पेड़ को जन्म देता है। ठीक ऐसा ही हमारा कारण शरीर है। यह कारण शरीर बेहद ही सूक्ष्म है, लेकिन उसके भीतर पूर्व जन्मों के सारे कर्म, सारी भावनाएं, सारे संस्कार छुपे हैं। इसीलिए हम बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन अपने इन संस्कार, इन भावनाओं से आगे नहीं निकल पाते, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म है लेकिन हमारे भीतर संचित हैं। यह हमारा कारण शरीर बेहद ही सूक्ष्म है, लेकिन हमारा सारा डेटा इसके अंदर उपस्थित है। इसलिए हम चाहकर भी अपनी कल्पनाओं, भावनाओं को बदल नहीं पाते। परंतु एक व्यक्ति जो ध्यान, योग और मेडिटेशन करता है, जिसे यौगिक विज्ञान में गहरी रुचि है, वह अपने इस यौगिक विज्ञान, यौगिक दर्शन में महारत हासिल करके अपने कारण शरीर में संचित उन सभी पूर्व जन्मों के संस्कारों से मुक्त हो सकता है। वह परम चेतना की अवस्था तक पहुंच सकता है, उस कारण शरीर तक पहुंच सकता है, और वह परमानेंटली अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्मों से मुक्त हो सकता है। हमारे यौगिक दर्शन में बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने सबसे पहले अपने स्थूल शरीर को जाना, फिर सूक्ष्म शरीर को, उसके बाद कारण शरीर को जानकर अपने उस परम चेतना, परम अवस्था तक पहुंचे। वे अपनी आत्मा को जान पाए, जबकि यह आत्मा कारण शरीर से भी परे की चीज है। कारण शरीर में तो हमारे सभी विचार संचित होते हैं, हमारे समस्त कर्म संचित होते हैं, परंतु यह आत्मा शुद्ध रूप में इस ब्रह्मांड में विद्यमान है और एक शरीर से दूसरे शरीर में सफर करती है। आज की इस वीडियो में हमने अपने इन तीन शरीरों, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को केवल साधारण तौर पर समझा है, परंतु जब आप इसमें गहराई से उतरेंगे तब आप अपने इस स्थूल शरीर को अपनी उस चेतना से भी कनेक्ट कर पाएंगे, इस सूक्ष्म शरीर के विभिन्न अंगों को जान पाएंगे, अपने कारण शरीर के कार्य को समझ पाएंगे। यानी आप इसमें जितना गहरा उतरेंगे आपको उतना ही रस मिलेगा, आप आनंदित हो उठेंगे, जानने की जिज्ञासा पैदा होगी। हो सकता है कि आप इसे जानते जानते किसी ऐसे सत्य को जान जाएं जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण ज्ञान मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।